क्या बात है, ये आज मुझसे लड़ नहीं रहा। आज तो मैंने कोई काम भी नहीं किया है, सुबह सुबह बैठ के फोन चला रही हूँ, फिर भी नहीं लड़ रहा मुझसे। कोई नहीं, ये नहीं लड़ रहा मुझसे, मैं तो लड़ सकती हूँ, लेकिन कैसे लड़ूंगी यार, वजह भी तो होनी चाहिए। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। आइडिया, अभी झगड़ती हूँ। सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे साड़ी खरीदनी है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पास साड़ी नहीं है, इसलिए देखो मैं आज ही तुम्हारे लिए साड़ी लेके आया हूँ। कैसा लगा ये सरप्राइज? जाओ पहन के फटाफट, देखो कैसा है, जाओ। अरे यार, इनको कैसे पता चल गया कि मुझे साड़ी चाहिए? तो ऐसे झगड़ा होगा ही नहीं। अगर ये मेरे बिना कई सारी बात समझ जाएंगे, फिर मैं कैसे लड़ूंगी? क्या करूं मैं? हाँ, एक काम करती हूँ कि मैं सो जाती हूँ, और मुझसे पूछेंगे क्या हुआ तो मैं बोल दूंगी मेरा तबीयत खराब है। जब सारा काम करना पड़ेगा तब झगड़ा करेंगे मुझसे। देखती हूँ आज कैसे बचते हैं मेरे से। सुनो, लो चाय पी लो। यार मेरी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैंने घर का सारा काम कर दिया है। क्या? हाँ, लो चाय पियो, तबीयत सही हो जाएगा। लो। पर मेरी तबीयत नहीं ठीक है और सारा बर्तन किचन में ऐसे पड़ा, मैं कैसे धुलूंगी? हाँ, मुझे पता है तुम्हारा तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैंने घर का सारा काम कर दिया, सारे बर्तन धो दिए, अब तुम आराम से चाय पियो। सारा धुल दिया? हाँ, मैं सारा बर्तन धो दिया हूँ। ठीक है, पी लेती हूँ मैं। सुनो ना यार, मेरे को मायके जाना है, मम्मी की बहुत याद आ रही है मुझे। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मम्मी को ही बुला लेते हैं यहाँ पे। हाँ, मम्मी को यहाँ पे? यार मैं कब से झगड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, आप तो मुझे मौका ही नहीं दे रहे झगड़ा करने का, मैं कैसे झगड़ा करूँ? कलेसी औरत, मुझे पता था कि तुम झगड़ा करना चाहती हो, आज तो झगड़ा नहीं होगा, कुछ भी कर ले तुम।